आज मुझे एहसास हो गया कि मैंने अनजाने में एक बहुत बड़ी भूल कर दी है। क्यों? ऐसा क्या किया तुमने? एक माँ को उसके बच्चे से अलग किया है मैंने मेरी जान। मैं जानता हूं कि तुमने कितने बलिदान दिए हैं मेरे लिए, लेकिन जिस दिन से तुम मेरे साथ इस घर में आई हो ना, तुमने एक बार मुड़कर यत्थु को नहीं देखा है, उसे मिल नहीं पाई। उस नादान बच्चे को यह भी नहीं पता है कि उसकी माँ उससे कितना प्यार करती हो। तुम अपने प्यार का एहसास कभी उसे जता ही नहीं पाई हो। आकांक्षा, मैंने क्या किया तुम्हारे लिए? कुछ नहीं, लेकिन आज मैं तुम्हें वो मौका दूंगा। आकांक्षा, अपने बेटे यथु और मेरे बीच में से किसी एक को चुन लो, और भगवान की कसम खा के कहता हूँ, तुम जो भी फैसला लोगी, सीने पे पत्थर रख के मैं उसे कबूल कर लूंगा। इसमें सोचना क्या है बेबी? Of course, it's you. मैं तुम्हें चुनती हूँ। मुझे? तुमने जो कुछ भी फोन कॉल पे सुना वो एक माँ की ममता कम और एक अच्छी एक्ट्रेस की एक्टिंग ज्यादा थी। मेरी नजर सिर्फ तुम पे है। यतु का ख्याल रखने के लिए तो मानव है ही, लेकिन तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कौन है? मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच ही नहीं सकती। लुक एट मी, तुम तो इमोशनल हो गए। नहीं नहीं, और तो इमोशनल तो होना ही था ना। मेरी क्वीन मुझसे इतना प्यार जो करती है। अच्छा, सबसे पहले अपने कान पकड़ो। क्यों? ताकि तुम दोबारा मुझे ये बेकार की चॉइसेस देने की गलती ना करो। आज के बाद मैं तुम्हें ऐसी बैड चॉइसेस कभी नहीं दूंगा। नहीं, मुझे लगा कि शायद तुम प्रेशर में मुझसे ये बात कभी कर पाओ ना कर पाओ, तो मैंने सोचा नहीं पूछ लेता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है, हमारे साथ से भी ज्यादा। Because I love you. I love you too. अच्छा, अभी हाथ हटा दो। ठीक है, अब तो फिर मानव ने तुम्हें परमिशन दे दी है ना यथु से अकेले में मिलने की। हाँ। तो बस अब शुरू कर दो उस छोटे बाजपाई पे अटैक। मेरा मतलब है उस तुम्हारे यथु पे अपने ममता का जाल बिछाना शुरू कर दो ना। तुम उसका ध्यान रखो, मानव का ध्यान मैं रखता हूँ। उसे फाइल्स की बोझ तले ऐसा दबा दूंगा अगले 5 हफ्ते तक ना यथु से तो क्या खुद अपने लिए सांस लेने के लिए टाइम नहीं निकल पाएगा। एक तो ये नाम मानव मानव मानव। अच्छा वैभव, मुझे एक बात बताओ, ये खतरा सिर्फ 5 हफ्तों तक के लिए है ना? Only 5 weeks. Okay. तो मैं भी देखती हूँ हमारे सर पर से ये खतरा कैसे नहीं हटता। बेबी, तुम बस अपना काम का ध्यान रखो, अपने ऑफिस का ध्यान रखो। मानव वाजपेयी के साथ क्या करना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। आपके लिए सबसे बड़ा खतरा यही है सर। I'm very proud of you. अच्छा रोई हो तो। तुम्हारे आंसुओं से होलकर इंडस्ट्रीज में बाढ़ आ गई होगी। वो बेचारा मानव वाजपेयी, उसके पास तुम्हें देने के लिए टिश्यूज भी नहीं बचे होंगे। मानव के पास टिश्यू नहीं बचे होंगे? होलकर इंडस्ट्री में बाढ़? किसे बात कर रहा होगा ये? मुझे मानव चीची को बताना होगा। सॉरी टू कीप यू वेटिंग। गुड मॉर्निंग मीरा। गुड मॉर्निंग। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नेहा। गुड मॉर्निंग सर। देखा, तुम्हारे कहने पे मैं ऑफिस आ गया, छुट्टी ले ली। हाउ आर यू नाउ? आई एम गुड सर। वेरी नाइस। अरे मीरा, वैभव को हमने गायत्री नर्सिंग होम के लिए नोटिस भेज के बहुत सही किया। अब ऐसे ही हमें उसकी सारी प्रॉपर्टीज का पता लगाना चाहिए और एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज के लिए उसको नोटिस भेजते हैं। करेक्ट। और तुम्हें ना जान के खुशी होगी, मैंने ना उसके सारे प्रॉपर्टीज के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट निकालने का रास्ता ढूंढ लिया है। वाओ, रियली? दैट्स कूल। ऐसे तो हम आधा केस वैसे ही जीत जाएंगे। हाँ, एग्जैक्टली। प्लीज टेल मी, क्या सोचा है तुमने? तो मैंने सोचा है
नहीं, ऐसे कैसे बता दूं इतनी आसानी से, थोड़ा तो सस्पेंस बनाऊं। मानव। अरे अनया, कैन यू गेट अस अ कप ऑफ कॉफी प्लीज? नॉट फॉर मी, जस्ट फॉर। यस सर। थैंक्स। मीरा, आज ना दिन भर बैठ के वैभव कपूर के खिलाफ स्ट्रेटजी बनाते हैं, ठीक है? ठीक। बस एक बार कॉफी आ जाए, फिर सारा प्लान बताता हूँ। ये मछली तो आपके जाल में फंस गई मिस्टर वाजपेयी। अब उस वैभव को मुझसे कोई नहीं बचा सकता मीरा, ये नया भी। थैंक यू। मैं खुद खा सकता हूँ। हम बे दादी के रहते हुए हम आउलल्ला अपने हाथ से क्यों खाएगा? दादी के हाथ से खाने में अलग ही स्वाद आता है। हमारी बातें विश्वास ना हो तो लो खा के देखो, लो आ करो। अरे दादी रहने दीजिए, यथु बाबा खा लेंगे अपने आप। हट जा परे तू, तुझे किन ने कही बीच में चोच डालने को? हमाओ लल्ला है मोए ना समझा, चल। अच्छा लल्ला तुम कुछ ही बता, तू अपने डेडा से ज्यादा प्यार करे हैं या मम्मा से? मैं सिर्फ अपने डेडा से प्यार करता हूँ, वही मेरे लिए सब कुछ। तो तू एक बात बता, तू किस पे गया है, डेडा पे या मम्मा पे? मैं बिल्कुल अपने डेडा पे गया। अच्छा जी, तो बढ़िया है। कृतिका आईना दे तो। अब यहां में देख और बता, तू लगी अपने डेडा जैसा? अब जरा अपनी चमकदार बत्ती सी दिखा और फिर देख, अब आंखें बड़ी कर और गुस्सा करके दिखा। अब जरा उदास फेस बना के दिखा। यही कि जैसा तुम्हारा मूड रेवे है वैसी तुम्हारी परछाई का। अब तूने कही ना कि तू एकदम तेरे डेडा जैसा है, मतलब अगर तू उदास तो तेरे डेडा उदास, अगर तू खुश तो तेरे डेडा खुश। अब तुझे ये तय करना है कि तुझे अपने डेडा को खुश देखना है या दुखी। खुश। हम बे। तो हमारो एक बात मान, आज से खुश रहना शुरू कर दे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।